दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ में सोनी का A7M3 कैमरा, इसके साथ में हमने अटैच किया 35mm। इससे पहले हमने जो फोटोग्राफी की थी वो 85mm के साथ में करी थी। आज हमारा जो शूट है 35mm के साथ में 1.8 का लेंस है और यह शूट लगभग सनसेट के टाइम पर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइटिंग को समझिएगा कि किस तरह से फोटोग्राफी की जाती है और 35mm से आप वाइड एंगल कितने अच्छे शॉट निकाल सकते हैं। कुछ शॉट हमें क्लोजअप भी लेना है, लेकिन 35mm से हम जो है शूट पूरा करेंगे। और यदि आपको 85mm की फोटोग्राफी देखने हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं 85mm से किस तरह से फोटोग्राफी की जाती है। हमारे साथ में मॉडल के रूप में आज सिद्धि जी। हेलो गाइस, आई एम सिद्धि। फोटोशूट चालू करते हैं। मैं आपका दोस्त अजय बड़ोले, आप देख रहे हैं जेम्डेस फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों फोटोशूट करने के लिए आपको सबसे पहले कैमरे को रीसेट कर लेना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना लगे। 7 स्टेप में आपको सेटिंग रीसेट मिल जाएगा, यहाँ से आप कैमरा रीसेट कर लीजिएगा। ओके, डिवाइस रीसेट। इसके बाद आपको डिस्प्ले पर आ जाना है और आपको डिस्प्ले स्विच को प्रेस करना है ताकि आप फंक्शन अच्छे से देख सकें। ओके, इसके बाद आपको FN स्विच को दबाना है और चेक करना है कौन कौन सी सेटिंग आपको काम करना है, किस किस सेटिंग पर आपको आपका कैमरे का, आपके फ़ोटो का जो है आपको सेटिंग रखना है। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमें सिंगल शूट का, कंटिन्यू शूट का, हाई शूट का या फिर टाइमर का। सिंगल शूट हम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद फ्लैश मोड हमारा हाई सिंक सपोर्ट का रहेगा, जिसमें हमें हाई स्पीड गोडोक्स की लाइट देती है जो हम 250 के ऊपर भी जाकर काम कर सकते हैं। ऑटो फोकस एरिया रहेगा हमारा कंटिन्यू पर। ओके, इसके बाद फोकस एरिया वाइड जोन, तो हम जोन पर कर देते ताकि हम टच कर हमारे फ़ोटो को अच्छा बना सके, फेस पर हम ट्रैक लेकर हमारे फ़ोटो को फोकस में ला सके। ऑटो फोकस ऑन हमने कर दिया है यहाँ सर, ठीक है। पीपी, ये पिक्चर प्रोफाइल है, इसका बहुत तरह का, अलग अलग तरह का आप जहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम पीपी ऑफ रखेंगे। और इसके बाद का मेमोरी कार्ड स्लॉट, टॉप टू पर हमने मेमोरी कार्ड स्लॉट को रखा है तो टू पर ही रहने देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैटरिंग मोड आप सेंटर रख लीजिए, स्टैंडर्ड रख लीजिए, स्पोर्ट रख लीजिए, जैसा आपको चाहिए वैसा रख लीजिए। तो फिलहाल मैं स्पोर्ट पर रख रहा हूँ ताकि मैटरिंग मोड पर हमें जो पिक्चर है, जहाँ स्पॉट हम जहाँ क्लिक करें वहीं के अकॉर्डिंग हमें एक्सपोजर बना कर दे हमारा कैमरा। बाकी एक्सपोजर तो हम फ्लैश लाइट से भी कंट्रोल कर लेंगे। वाइड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाइड बैलेंस में आप गए और केल्विन आपने सिलेक्शन कर लिया, केल्विन। ओके, वाइड बैलेंस केल्विन आपको रखना है लगभग 4800 का। यह बहुत अच्छा केल्विन होता है 4800 का, जो हमें पिक्चर टोन, कलर टोन और फेस टोन बहुत ज़्यादा अच्छे से देता है। इसके बाद DRO ऑटो और HDR ऑटो, DRO ऑटो पर हम इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा हम डिप में नहीं जाते हैं क्योंकि हमें नॉर्मली शूट करना है। एक क्रिएटिव स्टाइल इसका भी रहता है जिसे हम पिक्चर प्रोफाइल भी बोलते हैं, जहाँ से हम हमारे पिक्चर के अलग अलग तरह के कलर चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्टैंडर्ड पर ही रखते हैं और किसी भी तरह का इसमें एडिट नहीं करते हैं, नॉर्मली हम शूट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा कलर जो है इसको भी ऑफ रखेंगे। और हमें पिक्चर का एरिया कितना चाहिए, 3.2 या 16.9? 3.2 हमें एरिया चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। वाइड पिक्चर आती है जो एक्चुअल में हमारा फोटोग्राफी का फीचर्स होता है। JPG फाइल चाहिए हमें या रॉ फाइल चाहिए, तो JPEG एंड रॉ हम दोनों शूट कर लेते हैं ताकि हमें जिस तरह का एडिट करना होगा उस तरह का हम कर लेंगे। फिलहाल तो हम JPG पिक्चर ही आपके साथ में शेयर करेंगे क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर ही हमें जो है बनाना है। इसके बाद हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है लगभग, हम डिस्प्ले स्विच को दबाएंगे। इसके बाद डिस्प्ले पर हम आ जाते हैं, FN स्विच को हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें वही सेटिंग मिलते हैं जो हमने सेट किया है लगभग। ISO ऑटो नहीं रखना है हमें, 50 ISO कम से कम रखना है। और हमारे कैमरे का जो लेंस लगा है उसका अपर्चर जो हमें सबसे कम रख लेना है, 1.8 का अपर्चर हमारा लेंस हमें देता है ताकि हम अच्छे ब्लर इफेक्ट ला सकें। ISO हमने 50 कर लिया। इसके बाद जो है हमारी शटर स्पीड के ऊपर हम काम कर हमारी फ्लैश लाइट के एक्सपोजर के साथ में पिक्चर को हम परफेक्ट बना लेंगे। दोस्तों एक फाइल साइज आपको अंदर भी मिलेगा जहाँ से आप अपनी फाइल को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, स्टैंडर्ड। ये तीन तरह का साइज होता है जो हमें एक्स्ट्रा फाइन पर रख लेना है ताकि हमें लार्ज इमेज मिल सके। इसके बाद JPG इमेज साइज, यहाँ पर 10MB, 6MB और 24MB, तो 24MB पर आप कर लीजिए, आपको लार्ज से लार्ज फोटो क्लिक कर आपका कैमरा देगा। वेट रुकिएगा, हाँ बहुत बढ़िया फोटो आ रहा है, थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा और आइए, थोड़ा दीवार से चिपको मत, थोड़ा सा दूर रहो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस ठीक है, हाँ ओके, अब रखो पोज बनाओ, हाँ
थोड़ा सा इसको लहंगे को उठा के नीचे डाल दो थोड़ा सा, है ना। यस हाँ वेट, यस फेस थोड़ा सा डाउन करिए, हाँ स्माइल स्माइल, ओके। दोस्तों सारे के सारे फोटो हम एक ही सेटिंग के ऊपर लेंगे, क्योंकि एक बार हमने कैमरा सेट कर लिया इसके बाद हम कोई भी सेटिंग नहीं करेंगे सिवाय शटर स्पीड के। शटर स्पीड से कॉम्बिनेशन मिलाकर ही हम फोटोग्राफी निकालेंगे। एक फुल पोज बन गया, इसी में आप क्लोजअप फोटो भी ले लीजिए ताकि आपको दोनों वेरिएशन मिल सके। यस यस, फेस इधर ज़्यादा अच्छा लगेगा। यस स्माइल, फेस थोड़ा सा डाउन, यस स्माइल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये फोटो शूट हमने कर लिया, इसके बाद हमें थोड़ा कलर इफेक्ट डालना है। यदि हमारी सनलाइट थोड़ी बहुत फेस के ऊपर आती है तो हम कलर इफेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास एक से ज़्यादा दो फ्लैश है तो भी आप अच्छा काम निकाल सकते हैं और अच्छा फोटो शूट कर सकते हैं। वेट, इधर आओ थोड़ा इस तरफ करो, हाँ यस, इसमें फेस थोड़ा डाउन करो, नीचे करो, हाँ थोड़ा सा डाउन करो, गर्दन झुकाइए, हाँ यस स्माइल, वन मोर एक और लेते हैं, मैं बता दूंगा इंस्ट्रक्शन में। दोस्तों लाइटिंग का थोड़ा बहुत इफेक्ट भी अगर आपके फोटो पर आता है तो आप बाद में जो रो प्रोसेस होती है ना उसमें आप बहुत अच्छे से अपने इफेक्ट डाल सकते हैं और इफेक्ट बहुत अच्छे से बता सकते हैं। यदि आप अलग से लाइटिंग डालेंगे ना तो आपको फोटोग्राफी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाएगी। आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से फोटो क्लिक कीजिए ताकि आपको मॉडल का एक्सप्रेशन अलग अलग तरह से मिल सके। यस वन मोर, हाँ यस, एक बार कैमरे में देखना, हाँ थोड़ा फेस डाउन, यस स्माइल, नाइस कंप्लीट स्माइल, वन मोर, अब इधर सामने की तरफ देखो, हाँ स्माइल, थोड़ा सा फेस सामने करो, इधर इधर मेरी तरफ करो, हाँ बस अब इधर देखना, यस हाँ ये ठीक है डायरेक्शन, ओके स्माइल, ओके डन, अब नीचे आ जाओ इधर, है ना, फेस थोड़ा डाउन रखो, यस हाथ थोड़ा ऊपर लाओ, यस ऐसे नहीं, ऐसे कोनी नीचे दबाओ और हाथ को ऊपर रखो, यस अब फेस थोड़ा सा इधर शोल्डर की तरफ नीचे झुकाओ, यस वेरी नाइस स्माइल रखेगा, वेट वन मोर स्माइल, वन मोर, वेट, हाँ अब एक थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करो फेस का, थोड़ा सा इस तरफ करो, हाँ थोड़ा सा घुमाओ गर्दन, गर्दन घुमाओ, आप दूर मत हटो, थोड़ा गर्दन घुमाइए, हाँ यस स्माइल, हाँ एक आइज क्लोज कर लो, ज़्यादा बढ़िया लगेगा, यस डाउन डाउन और डाउन, फेस भी डाउन करो, हाँ स्माइल, ओके ठीक है, एक बार खड़े रहो यहाँ पे, स्माइल वन मोर, नाइस वन मोर, वन मोर, इधर इधर फेस बहुत बढ़िया, हाथ को टिका लो पीछे, यस नाइस ओके डन, फेस डाउन थोड़ा सा डाउन, हाँ यस स्माइल, बहुत बढ़िया वन मोर, एक एक फुल फोटो, वेट स्माइल, इधर देखो थोड़ा ऊपर, यस और स्माइल, फेस डाउन करो थोड़ा सा, हाँ अब ऊपर देखो और नज़र ऊपर रखो, ओके दोस्तों। फोटोशूट के साथ साथ आप सनसेट पर फोटोग्राफी करते हैं तो सन चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लैश लाइट का पावर बार बार चेंज करना पड़ेगा और बार बार आपके एक्सपोजर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी कैमरे का 1.8 अपर्चर आपका बहुत बढ़िया काम करेगा और ISO 100 तक पहुँच गया है। इसके अलावा हमने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं किया, ओनली शटर स्पीड के अलावा। गोडोस की हाई इन सपोर्ट से हमें फ़ायदा मिलता है कि शटर स्पीड आप कितना बढ़ाइए आपकी फ्लैश जो है उसके साथ में अटैच रहेगी। यस एक शूट और लेते हैं, इधर आओ। दोस्तों बैकग्राउंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है तो आपको ISO इंक्रीज़ करना पड़ेगा और ISO इंक्रीज़ के साथ साथ आपको शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ताकि ISO से जो हमने लाइटिंग बढ़ाई उसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए शटर स्पीड पर जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड अगर यदि आपको देखना है तो इस यही कंडीशन पर यही टिप्स आपको लेना होगी। फेस थोड़ा डाउन करो, बाहर निकालिए फेस को, फेस बाहर निकालो थोड़ा बाहर, हाँ यस ओके। अब एक फ़ोटो मैं आपको विदाउट फ्लैश लेके बता देता हूँ ताकि आपको फ्लैश फोटोग्राफी किस तरह की होती है और विदाउट फ्लैश फोटोग्राफी किस तरह की हो सकती है वो भी आपको पता चल जाएगी, किस तरह से फिर हमारे फ़ोटोज़ में जो है शार्पनेस अच्छी आती है। वन मोर, यही सेम पोज में, इसमें ISO को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तभी हमारी पिक्चर जो अच्छी बन पाएगी। लेकिन एक फ़ोटोग्राफी का रूल्स होता है कि हम जितना कम ISO रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छी हमारी फ़ोटोग्राफी हो पाएगी।
यस, फेस डाउन करो, यस स्माइल, थोड़ा सा फेस इस तरफ कैमरे की तरफ, थोड़ा सा ऐसे डाउन करके, यस डाउन करो गर्दन, हाँ यस स्माइल, एक बार कैमरे में देख लो, यस ओके। कहीं ना कहीं हमें नाइट में जो है एक फ्लश से काम नहीं हो पाता, दो फ्लश हमें कम से कम लगाना पड़ेगी ताकि एक बैकग्राउंड बनाए और एक हमारे सब्जेक्ट के ऊपर हो, तब जाके काम चलेगा। ऐसी कंडीशन में आप फ्लश ऑफ कर लें, बिना फ्लश के ही काम करें तो ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफी हो जाएगी। M3 के साथ में या फिर किसी भी अदर कैमरे के साथ में अगर आप 35mm यूज़ करते हैं तो आपको सब्जेक्ट के क्लोज रहने में फ़ायदा मिलेगा और आप जल्दी से पोजिंग भी बता सकेंगे और लाइटिंग को भी सेट कर सकते हैं। यदि आप 85mm यूज़ करते हैं तो आपको डिस्टेंस फोकस लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दूर पास नहीं हो पाते और दूर पास होने में आपको ज़्यादा तकलीफ आती है, तो फोटोशूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यही अगर फोटोग्राफी आप 50mm से भी करेंगे तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। जहाँ तक हम यूज़ करते हैं 50mm को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि कॉस्टली में वो सबसे सस्ता आता है। 85mm फोटोशूट के लिए बहुत बेस्ट रहता है और 35mm वीडियोग्राफी के लिए बहुत बेस्ट रहता है, लेकिन आज हमने फोटोग्राफी करी है 35mm से, जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ ओरिजिनल फोटो भी और एडिट के साथ में भी, ताकि आप समझ सके किस तरह से आप 35mm को भी फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है प्लीज हमारे वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा नई नई फोटोग्राफी के साथ में। फिर मैं आपको मिलता रहूंगा, तब तक के लिए गुड डे।